अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई में टेलीफोनिक राबता। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान पर खुसूसी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने हामिद करज़ई समेत अफगान क़यादत को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। कॉन्फ्रेंस से अफगान मसाइल के हल की नई उम्मीद जागेगी। वज़ीर-ए-आज़म दो रोज़ा दौरे पर आज उज़्बेकिस्तान जाएंगे। दौरे की दावत उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमरान खान पहले पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। वस्ती जनूबी एशियाई इलाकाई रब्त पर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को गेम चेंजर करार दे दिया। कहा दौरे से सरमायाकारी के इम्कान रोशन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो दौरा है उज़्बेकिस्तान का, उसको पूरे सेंट्रल एशिया में बड़े अहम नज़र से देखा जा रहा है। मुतकुरेशी साहब भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आ रहे हैं, इससे इसकी इम्पोर्टेंस जाहिर होती है और हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। खित्ते का अमन इस्तेहकाम अफगानिस्तान में अमन से वाबस्ता है। शाह महमूद की दुशंबे में मीडिया से गुफ्तगु, बोले ईसीओ इजलास में अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। वज़ीर खारजा ने चीनी हम मनसब से मुलाकात की। सीपैक इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान रवाना। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल शेर अली की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान और अफगान ताजिक सरहदी सूरत हाल ज़ेरे ग़ौर आई। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में दिफाई तआवुन के फरोग पर गुफ्तगु। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। यूरोपीय यूनियन का तहफ़ुज़ माहौल के लिए कानूनी पैकेज तैयार। ज़र्र रसा गैसेस के अखराज में 2030 तक 55% कमी का हदफ मुकर्रर। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन के मुताबिक कानूनी मसविदे में 13 नए या तरमीम शुदा कानूनी निकात शामिल हैं। कानूनी पैकेज का मकसद ज़र्र रसा गैसेस के अखराज में कमी करना है। सऊदी अरब में आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। इस साल हज का खुतबा अल शेख डॉक्टर बिंदर बिन अब्दुल अजीज़ देंगे। अल शेख डॉक्टर बिंदर बिन अब्दुल अजीज़ का शुमार हरमैन शरीफ़ैन के सीनियर आयमा कराम में होता है। इसराइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने का इफ्तिताह। UAE इसराइली सरजमीन पर सफारत खाने खोलने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। इफ्तिताही तकरीब में इसराइली सदर ने शिरकत की। इसराइल ने गुज़श्ता माह अरब अमारात में सफारत खाना खोला था। साबिक सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन खालिक हकीकी से जा मिले। 80 साल के ममनून हुसैन कराची के निजी अस्पताल में 2 हफ्ते से ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर सुल्तान मस्जिद डिफेंस फेज 5 में अदा की जाएगी। इंतकाल पर सियासी रहनुमाओं, आर्मी चीफ और नेवल चीफ का इजहार अफसोस। ममनून हुसैन नून लीग के दौर में 2013 से 18 तक सदर रहे। पेट्रोलियम कीमतों में 11.5 रुपये तक इजाफे की तजवीज़, फैसला आज होगा। ओगरा ने पेट्रोल 11.50 रुपये, हाई स्पीड डीजल 2.40 रुपये फी लीटर महंगा करने की समरी भेज दी। मिट्टी के तेल की कीमत 1.5 रुपये, लाइट डीजल की 1.40 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मशावरत से होगा। कोरोना केसेस में इजाफा, सिंध में नई पाबंदियां नाफिज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स 17 जुलाई से बंद। 12वीं के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आए। साहिल समंदर, केंचर झील, पार्क्स और सिनेमाज बंद। आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलाने की इजाज़त।
कोरोना का फैलाव आजाद कश्मीर में 19 से 29 जुलाई तक सियाहत पर पाबंदी आए थी। इस्लामाबाद के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज करने पर लाहौर और मुल्तान में कारोबारी मराकज सील कर दिए गए। 1980 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 4% से बढ़ गई। इंशाल्लाह एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होगा, जो अपोजिशन है वो मान जाए, अगर वो हारेगी तो मान जाएगी कि उनको फेयर तरीके से हराया गया। ये जो एक सारा प्रोसेस है पेपर पुशिंग का, जिसमें फाइल गुम हो जाती है, फिर फाइलों को आग भी लग जाती है, आपको पता है, तो वो भी सारा सिस्टम इससे बच सकता है। कब्जा ग्रुप भी इसलिए बने क्योंकि जमीनों के केसेस सॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए अब हम सारा लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज कर रहे हैं। धांधली पोलिंग खत्म होने के बाद होती है। 1970 के बाद तमाम इंतखाबात में धांधली हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा वोटिंग मशीन से धांधली खत्म हो सकती है, ऐसा सिस्टम लाएंगे कि अगर ओपोजिशन हार भी जाए तो नतीज तस्लीम करेगी, पेपरलेस निज़ाम से करप्शन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और FIA को ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने करप्शन पकड़नी है, अगर तुमने मुल्क का कर्जा माफ कराना है, तो मारो ना छापा जरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ऊपर। इदारों ने करप्शन पकड़नी है तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर छापा मारे। सबसे बड़ा मनी लॉन्डरर बनी काला और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में छुपा है। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में खिताब, कहा इमरान खान की ATMs ने दवाइयों LNG में डाके डाले, महंगाई ने पाकिस्तान को लपेट में ले लिया, इस तबाही को कश्मीर में दाखिल न होने दें। इमरान खान अपना वज़ीर-ए-आज़म लाकर कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है, कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया। मुल्क को लूटने वालों को 73 साल में पहली बार शिकस्त होने जा रही है। मुराद सईद का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब, अली अमीन गंडापुर ने कहा साबिक हुक्मरानों ने कश्मीरियों के बजाय अपने बच्चों को तरक्की दी। तहरीक इंसाफ गिलगित की तरह आज़ाद कश्मीर में भी अरबों का तरक्याती पैकेज देगी। फारूक हबीब ने कहा नवाज शरीफ जिंदाल से कारोबारी ताल्लुकात बना रहे थे। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश, काबीना अराकीन को क्लीन चिट। फ्रॉड के मरकजी किरदार साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने डेप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मनसूबे से मुतल्लिका हाउसिंग सोसाइटीज़ की तहकीकात नैब करेगा। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस का कहना है कमिश्नर ने रिंग रोड की अलाइनमेंट तब्दील की। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। कराची के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। शारा फैसल, कारसाज, तारक रोड, बहादुराबाद, मलीर और एयरपोर्ट के अतराफ बूंदाबांदी। सदर, ओल्ड सिटी, आई चंद्रगढ़ रोड और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात का सिंध में 16 जुलाई से बारिशों का अलर्ट। कराची, हैदराबाद, सखर और दादू में नशेबी इलाके जेरे आब आने का खदशा। मुल्क में कुदरती गैस की पैदावार 10% कम हो गई। ओग्रा की रिपोर्ट में इंकशाफ, एक साल के दौरान LNG की तलब में 40% कमी हुई। गैस की किल्लत को LNG की दरामद से पूरा किया गया। ओग्रा हुकाम के मुताबिक कोरोना के बायस ऑयल सेक्टर को भी मसाइल का सामना रहा। ऑयल रिफाइनरीज की पैदावार में 20% कमी हुई। और इंग्लैंड की नौआमूज टीम के हाथों पाकिस्तान को वाइट वॉश। हेड कोच मिसबाउल हक भी मायूस, कहा शिकस्त पर पूरी टीम और कोचेज कसूरवार हैं। फील्डिंग प्लान पर मुकम्मल अमल नहीं किया गया, किसी खिलाड़ी को फेवर नहीं दे रहे, लगता है जहां से शुरू किया था वहीं खड़े हैं।